फर्स्टली इफ यू आर वंडरिंग व्हाट दिस इज, मुझे कोई बीमारी नहीं हो गई है, मुझे कोई स्किन इरिटेशन नहीं है. मैंने कपिंग सेशन कराया था तो ये उसका निशान है जो चला जाएगा. Hi, what's up? If you want to know why I'm recording things in car, go check my previous videos because I've explained there why. It's just stupid of me to keep explaining it every time. I got to know about this challenge where you have to do quite a lot of stuff every day in the morning and uske baad aapki skin bahut achhi ho jati hai. So, maine socha chalo try karte hai because obviously achhi skin kisko nahi chahiye, right? The routine is very simple, bahut simple hai. Aapko सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद स्क्रब करना है, उसके बाद आपको इमिडिएटली टोनर लगाना है और फाइनली फेस मास्क यूज करना है. नो, नॉट फाइनली, फेस मास्क के बाद आपने किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर लगाना है. सो 5-step रूटीन है. सुनने में बहुत सिंपल लगता है, एवरीडे इन द मॉर्निंग हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता तो थोड़ा सा स्केड्यूल को ख़राब कर देता है, बट आई ट्राई टू डू इट एवरी डे. ये आपको 5 दिन करना है और 5 दिन के एंड पे आपकी ग्लास लाइक स्किन हो जाती है. सो चैलेंज का नाम है ग्लास लाइक स्किन, मतलब आपकी स्किन एकदम शाइन करेगी और बहुत ज़्यादा क्लियर और ग्लोई एंड इट लुक्स वेरी हेल्दी अपेरेंटली. हाँ, ये तो बेसिक चैलेंज है, बट ये स्किन टू स्किन डिफर करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्किन पे ऑलरेडी काफ़ी पिंपल्स थे उस वक्त जब मैं ये कर रही थी, तो इस चैलेंज से पिंपल्स को कोई असर नहीं पड़ता है, विच मीन्स कि आपकी बेसिक रेगुलर टेक्स्चर ऑफ स्किन अच्छा होता है. आपको अगर एक्ने है तो उससे उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सेकेंड कंडीशन. सो डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्चर ऑफ योर स्किन, आपने इस रूटीन को थोड़ा सा ट्वीक करना है. एक फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, तो अगर मैं एवरी डे स्क्रब करूँगी तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, लाइक आई विल हैव एक्ने ब्रेकआउट. सो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से स्क्रब करूंगी, बट आई थिंक इन द रूटीन आई गॉट मालिया का नीम स्क्रब जो काफ़ी लाइट एंड जेंटल है. आई थिंक इसके साथ मैंने और 2-3 चीज़ें थोड़ी अलग की डिपेंडिंग ऑन माय स्किन, बिकॉज इनिशियली एक्ने ब्रेकआउट हो जाता है एंड ऑल. सो मैंने एक दो बार वीको लगाया. आई थिंक वो मैं आपको इन द वीडियो साथ में बताती जाऊंगी कि कैसे क्या हुआ. तो वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट कि ये काम किया कि नहीं किया. आई थिंक बाकी बातें मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी. Alright, let's do this. So day 1, first step is to scrub. I'm using Patanjali ka scrub. Lekin day 1 mujhe realize ho gaya tha ki ye scrub bahut zyada dardara hai, to isiliye maine isko baki dino pe continue nahi kiya. Then comes your toner. Toner ke liye I'm using gulabri. मैं वो टिश्यू इशू वाला कॉटन पैड वाला नाटक नहीं करती हूँ, सीधा उठा के हाथ पे लगा लेती हूँ. फॉर मास्क आई वेंट फॉर माई डेड सी मड मास्क विच इज़ अमेजिंग, और वो सूखने के बाद मैंने उसको पोंछ लिया. एज यू कैन सी, मास्क यूज़ करने से स्किन बाय डिफॉल्ट काफ़ी ब्राइट हो जाती है. फॉर डे 1 आई थॉट मैं काफ़ी हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, इसीलिए आई यूज वैसलीन एंड दैट्स इट. दैट इज़ माई स्किन ऑन डे 1. We are coming to day 2. अब इसके बाद मैं आपको स्किन बताऊँगी, पूरा प्रोसीजर वापस करूँगी और फिर से स्किन बताऊँगी. दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. नाउ आई डू दिस बिकॉज 5 दिन मैंने सेम स्टेप्स किए हैं, तो मुझे आपको हर एक चीज़ बार बार बोल बोल के बोर नहीं करना है. मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स बताती जाऊँगी. सो टू वॉश माई फेस आई जस्ट यूज्ड चने का आटा विच इज़ चिक पी फ्लावर. हमारा टोनर रिमेन्स द सेम एवरी डे. पपाया स्क्रब, दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट स्क्रब. आप देख सकते हो मैंने उसका कितना बड़ा बॉटल लिया हुआ है. इसको मैं हफ्ते में 1-2 या 3 बार तो लगा ही लेती हूँ. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको वॉश करने के बाद आप देखोगे कि इसका कितना ज़्यादा ग्लो आता है. सो दिस इज़ द सॉरी मास्क दैट वी यूज्ड ऑन डे 2. डे 3 के लिए मैंने अपना इमोलिन क्रीम यूज़ किया, बिकॉज इसके बाद मैं मेकअप लगा के ऑफिस जाती थी और वैसलीन मुझे पिछले दिन के लिए बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, बट इमोलिन वॉज गुड. एंड दिस माई फेस, दैट वॉज माई फेस फॉर डे 2. ओ माई गॉड, वीडियो कितना स्पीड में जा रहा है. डे 3 पतंजलि स्क्रब, स्लो हो गया. ओके, सो बेसिकली वहाँ पे मैं आपको अपना मसाज टेक्निक दिखा रही थी. गोइंग बैक इन टू द टोनर, आज मैं फेस को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर कर रही हूँ, पता नहीं क्यों. गोइंग बैक टू द सेम स्क्रब, एंड वाई डू आई कॉल कीप कॉलिंग इट स्क्रब, वो मास्क है जबीन, कम ऑन.
पपाया मास्क, और फिर वो सूखने के बाद अगेन यू नो द ड्रिल फॉर एवरी डे. हाँ, एक चीज़ अगर मैं आपको बोल सकती हूँ तो वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा टायरिंग था, और इससे भी ज़्यादा टायरिंग था वीडियो रिकॉर्ड करना, बिकॉज एवरी डे उठ के मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना था. एज यू कैन सी डे 3 पे भी मैंने इमोलिन यूज़ किया, डाबर गुलाबरी इज गोना बी देयर लाइक एवरी डे, सो उसका कोई वो नहीं है. एंड हियर इज द स्किन. आई कुड ऑलरेडी सी इम्प्रूवमेंट, बट मुझे एक्ने ब्रेकआउट हो गया तो मुझे प्रीवियस नाइट वो सारा वीको लगाना पड़ा. एंड दिस इज डे 4. एज यू कैन सी मेरे फेस पे प्रीवियस नाइट का वीको लगा हुआ है. वीको से आई फील कि पिंपल्स या जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है. सो अगेन आई एम यूजिंग स्क्रब. व्हाई डिड आई से हिमालय एट द स्टार्ट? मैं तो पूरा टाइम पतंजलि यूज़ कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. आई एम सॉरी. ओके, देन वी कम टू टोनर गुलाबरी. येस, दिस डे वॉज अ लिटिल स्पेशल. आई थिंक सैटरडे या संडे होगा पक्का, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चने का आटा, रोज़ वाटर, डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर, थोड़ी सी हल्दी और मुल्तानी मिट्टी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक मस्त पैक बनाया. और मैंने फोर्थ डे, आई थिंक ये फोर्थ डे है राइट, या फोर्थ डे पे ये पैक लगाया. ऑब्वियसली घर का नुस्खा तो अच्छा था, ये वो, मतलब काफ़ी चीज़ अच्छी थी. एंड प्लस क्योंकि मुझे पिछली नाइट ब्रेकआउट्स हुए थे, सो इसीलिए फिर मैंने ये यूज़ कर लिया. ऑब्वियसली ये पूरी तरह से सूखता नहीं है, और मैं और ज़्यादा सुखाऊँ तो मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं इसको सेमी ड्राई में ही यूजुअली वाइप ऑफ कर देती हूँ. बट एज यू कैन सी हल्दी से कितना ग्लो आया है. ऑफकोर्स आई ट्रस्टी इमोलिन, क्योंकि ये चिकनी नहीं होती है, इट्स वाटर बेस्ड, एंड आई लव इट. एंड एज यू कैन सी दैट इज़ माई स्किन. एंड फाइनली वी कम टू डे 5. आई कैन नॉट टेल यू मैं कितनी खुश थी. ओके, सो वी स्टार्ट स्क्रबिंग विद हिमालया फाइनली. हिमालय की खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे. इसका ना मैंने ट्रायो वाला पैक लिया था, काफ़ी अच्छा था. सो या हिमालया से स्क्रब हो गया. देन वी गो ऑन टू टोनर गुलाबरी. यार मुझे गुलाबरी का भी काम करता हुआ नहीं दिखता है. आई एम सॉरी, बीच की मेरी सारी क्लिप्स गायब हो गई. उसके बाद मैंने पैक लगाया जो काफ़ी गिर रहा था यहाँ वहाँ सब जगह. हिमालय का ही पैक है, ये पैक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फर्स्ट यूज़ में नहीं, बट उसके बाद मैंने 3-4 बार यूज़ किया, आई रियलाइज्ड कि वो काफ़ी अच्छा है. एंड दैट इज़ माय स्किन ऑन डे 5. तो आप देखो और आप बताओ कि स्किन में फ़र्क पड़ा है कि नहीं. ये मैं आपको अपने पिंपल्स छुपा के बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि स्किन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. सो या दैट वॉज अबाउट इट. आई डेफिनेटली फील कि मेरी स्किन ग्लास स्किन तो हो ही गई है, एक्ने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट एज यू कैन सी मेरी स्किन काफ़ी शाइन कर रही है एंड ग्लो कर रही है. सो इफ़ यू लाइक दिस चैलेंज, आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हो. एंड लेट मी नो इफ दिस वर्क्स फॉर यू. बाय.